सुप्रीम कोर्ट में बैनामा फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलों की समाप्त। नवाज शरीफ ने कभी तनख्वाह को असासा समझा ही नहीं। ख्वाजा हारिस के दलाइल, माहिदे में नवाज शरीफ की तनख्वाह 10,000 दिरहम मुकरर की गई। हम कैसे यकीन कर लें कि तनख्वाह वसूल नहीं की गई। जस्टिस एजाज अफजल का इस्तफसार। अलजीजिया स्टील मिल्स और लंदन फ्लैट्स रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, हसन हुसैन, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में तलब। 19 सितंबर को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाप्त। इमरान खान पेश ना हुए, फैसला महफूज, कुछ देर में सुनाया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ भी जाब्ते इखलाक के खिलाफ वर्जी के केस की समाप्त। पहले दिन से ही चेयरमैन है मुतनाज़े रहे। हुकूमत को अब ऐसा नाम देंगे जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं चेयरमैन नैब का माजी साफ होना चाहिए। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में पूरा खानदान मुलव्विस है, अब नैब केस रोक नहीं सकता। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सिराजुल हक कहते हैं चेयरमैन नैब की तकरूरी का इख्तियार वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर से लिया जाए। गैर जानिबदार आदमी चेयरमैन नैब होता तो आज मुल्क का ये हाल न होता। इश्तियालंगेज तकारीर और हंगामा राई केस में मफरूर मुलजमान के नकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी। समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। फारूक सत्तार कहते हैं मुकदमा जल्द खत्म हो जाएंगे। कराची में हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। आज से क्रैकडाउन शुरू। और पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 में कल होगा फाइनल टाकरा। सीरीज 1-1 से बराबर। डुप्लेसी और सरफराज फतह के लिए पुरअज़्म।